आपका पूरा लगाया जा रहा है धर्म पथ पे, ऐसे करके देते हैं। कलरफुल पत्थर हैं और इसी से यहाँ पे डिज़ाइन बनाया जा रहा है। यही वाले पत्थर आपका यूज़ हो रहे हैं, ये देखिए, ये ऐसे करके ये छोटे छोटे पत्थरों से यूज़ हो रहे हैं आपका। ये वो फाइबर टाइप का जो है वो उससे पूरा ये बनाया जा रहा है, और वो मतलब अंदर जो बीम पड़ी है ऐसे करके वो वाली उस टाइप का, और उसके ऊपर से पूरा सजाया जा रहा है ऐसे करके पिलर को, और उसके ऊपर ऐसे करके वो गोल सा जो बनाया गया है उस गोल सा, उसके बाद फिर एक दूसरे कलर से और ऐसे करके पूरा बनाया गया। बहुत गजब लगी मुझे। आप अपनी राय कमेंट करके उसको फिल कर रहे हैं ऐसे करके, अलग ही चीज़ें देखने को मिला हमें। और यहाँ पे देखिए ऐसे करके पूरा बनाया गया ये तो, एक यहाँ पे एक यहाँ श्री राम स्तंभ लगाया गया है, जय श्री राम यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे करके। ये स्तंभ जो है आपको पूरी अयोध्या में देखने को मिलेगा। जय हिंद जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ मुरली मनोहर, एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं धर्मपथ का डेवलपमेंट, और धर्मपथ पे बहुत कुछ नया है वो चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ आपको। और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिए, बाकी हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों सबसे पहले मैं दिखा दूँ आपको यहाँ ये लता मंगेशकर चौक से अभी हम स्टार्ट करेंगे और सीधा लेके चलेंगे आपको अयोध्या बाईपास की तरफ। और यहाँ पे ये देखिए ये जो पोल लगाए गए हैं, और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा आपको इसकी पोल की डिटेलिंग। देखिए ये देखिए जय श्री राम करके और बजरंग बली जी का गदा का यहाँ पे ऐसे बनाया है। और जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखो ऐसे करके जितने पिलर्स हैं एकदम सेम, मतलब लगभग 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 लगभग 10 पिलर ऐसे करके इस साइड में और इस साइड में, और एकदम सेम ऐसे करके डिज़ाइन दिया जा रहा है। थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा आपको यहाँ पे ले जाके। और यहाँ पे ये वाला देखिए आप ये देख सकते हैं इस साइड में, देखिए थोड़ा लाइट में लेकर चला आया मैं। अब यहाँ पे ये देखिए ऐसे करके ये पोल आपका पूरा लगाया जा रहा है धर्मपथ पे ऐसे करके। देखिए जो ये चीज़ है मतलब यहाँ पे जैसे बनाया गया था सेम वैसे यहाँ पे पूरा लगाया जा रहा है, और इस पेड़ की थोड़ा कटाई छटाई की गई है क्योंकि ये यहाँ पे इसके ऊपर आ रहा था। और यहाँ पे ये देखिए, और ये जो फुटपाथ एरिया आपका बनाया गया इसको थोड़ा डिज़ाइन डिज़ाइन किया गया है, आप यहाँ पे ये डिज़ाइनिंग भी देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे ये देखिए, और आपका कितना बढ़िया कार्य होते हुए इस पर। और ये जो छोटे छोटे पत्थरों से मतलब छोटे छोटे पत्थरों से पूरा डिज़ाइनिंग बनाई गई है ऐसे करके पूरा यहाँ पे लगाया गया है यहाँ पे ये देख सकते हैं, और ऐसे करके पूरा होने वाला भी उस साइड में भी पूरा बना दिया जाएगा। लगभग इसका कार्य जो है वो बहुत जल्द आपको पूर्ण देखने को मिलेगा पूर्ण रूप से। यहाँ पे भी देख सकते हैं मतलब इस पथ पे कार्य जो है वो बहुत तेज़ी से होते हुए, और मैं थोड़ा सा उस साइड भी लेके चलूँगा, वहाँ पर अभी इस समय कार्य तेज़ी से हो रहा है तो वहाँ पर लेके चलूँगा, उस साइड भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो छोटे छोटे पत्थर रखे हुए हैं यही वाले पत्थर आपका यूज़ हो रहे हैं, ये देखिए, ये ऐसे करके ये छोटे छोटे पत्थरों से यूज़ हो रहे हैं आपका, और वैसे करके पूरा डिज़ाइन बनाया जा रहा है, तो इससे बहुत गजब का निखर के आ रहा है। और ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ मेरे ख्याल से ये वो फाइबर टाइप का जो है वो उससे पूरा ये बनाया जा रहा है, और वो मतलब अंदर जो बीम पड़ी है ऐसे करके वो वाली उस टाइप का, और उसके ऊपर से पूरा सजाया जा रहा है ऐसे करके पिलर को, और उसके ऊपर ऐसे करके वो गोल सा जो बनाया गया है उसको लगा दिया जा रहा है लाइटने वाला। और यहाँ पे ये आप देखेंगे ये कार्डबोर्ड का पूरा, यहाँ पे ये देखिए ऐसे करके पूरा ये कार्डबोर्ड वाला, ये कार्डबोर्ड जैसे कुछ ऐसे ये प्लास्टिक टाइप का ऐसे कुछ है ये, और उसी से पूरा लगाया जा रहा है यहाँ पे ये देखिए। और ये मतलब कुछ पोल मुझे देखने को मिले हैं जो कि ऐसे करके बन रहे हैं, तो मैंने सोचा कि लाइए आपके साथ शेयर करते हैं। और यहाँ पर ये डिज़ाइन देखिए फुटपाथ भाई, मतलब जो फुटपाथ एरिया की डिज़ाइन देखिए एक गज़ब के यहाँ पर डिज़ाइन दिया गया, मतलब यहाँ अयोध्या में फुटपाथ पर भी डिज़ाइन एक से एक दिया जा रहा है। यहाँ पर आप यहाँ पे देखिए ये चीज़ अगर बात करें तो ये मतलब गोल सा बना के और ऐसे करके का बहुत गजब यहाँ पे बनाया जा रहा है देखिए। और यहाँ से मुझे तो बहुत गजब का यहाँ पे लग रहा है वर्क। अयोध्या में आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे वर्क जो यहाँ पे चलता हुआ, वो आपको कैसा लग रहा है बताना कमेंट में, अपना राय दीजिएगा। और मेरे ख्याल से तो बहुत ए क्लास काम हो रहा है, मतलब कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिलेगा अयोध्या एकदम बदल जाएगी। और आगे बाकी उस साइड में भी चलते हैं, उस साइड में भी आपको वर्क दिखाते हैं, थोड़ा लेके चलते हैं उस साइड और दिखाते हैं आपको। दोस्तों मैं दूसरी तरफ लेके चला आया था आपको, और यहाँ पे आप ये चीज़ जो यहाँ पे बनता हुआ, और ये देखिए ये ऐसे करके ये भाई लोग यहाँ पे छोटे छोटे पत्थरों से यहाँ पे कैसे डिज़ाइन पूरा बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ये देख सकते हैं कलरफुल पत्थर हैं और इसी से यहाँ पर डिज़ाइन बनाया जा रहा है आपके फुटपाथ पर। और ये देखिए ये सब पत्थर ऐसे करके पूरे रखे हुए हैं यहाँ से वहाँ तक, और पूरा आपका बनने वाला है बहुत गज़ब का। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डिज़ाइन हमें देखने को मिली, यहाँ पे गोल सा बीच में येलो से पूरा बनाया है, और उसके बाद आपका पूरा देख सकते हैं अच्छी का गजब की डिज़ाइन है ये भी। और बाकी वहाँ वाली भी तो एक क्लास की अपने को लगी,
और अभी वहाँ से आगे चलते हैं सीधे का, जो भी डेवलपमेंट है यहाँ पे कार्य हो चल रहा है तेज़ी से वो सब देखते हैं। और यहाँ पे देखिए अभी जो उस साइड का तो कार्य मतलब वो आपका जो पिलर वाला है मतलब उसको जैसे बनाया जा रहा डेकोरेट किया जा रहा है उस अभी उस साइड में पहले किया जा रहा है, फिर इसके बाद इस साइड भी हमें देखने को मिलेगा। और बाकी बिना किसी देरी के हम आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट डिज़ाइन होने वाली है वो नेक्स्ट डिज़ाइन यहाँ पे ये देखिए जो क्या है एकदम सेम वैसे बनाया गया है। वहाँ पे भैया पत्थर कटिंग का कार्य कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे जो थोड़ा सा खांचा बच जाता है उसको कटिंग करके यहाँ पे लगाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप ऐसे करके कट करके उसको फिल कर रहे हैं ऐसे करके पूरा मतलब अच्छे से। यहाँ पे ये डिज़ाइन पूरी होते हुए यहाँ पे बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा ये डिज़ाइन पूरी हो जाएगी। और ऐसे करके अभी आगे चलते हैं आपको आगे दिखाते हैं। इसमें जो ये जो आपको दीवारें दिख रही हैं इसमें थोड़ा सीन्स बनाए जाएंगे और वो चीज़ जैसे कि आपने अगर हमारे से जुड़े होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे जैसे गुप्तार घाट पे था और रामपैड़ी पे भी मैंने आपको दिखाया वैसे सीन्स यहाँ पे बनाए जाएंगे। बहुत गजब लगेगा मतलब एक नेक्स्ट लेवल यहाँ पे आपको लगेगा देखने को मिलेगा जब आप इस पथ से आएंगे। और ये इस पथ की बात करूँ तो अगर रामपैड़ी आना सबसे शॉर्ट डिस्टेंस ये वाला पड़ता है आपका, आप बाईपास से आइए। और उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट डिज़ाइन मैं लेके चला था, ये देखिए जो नेक्स्ट डिज़ाइन होने वाली है ये एक क्लास की है, ये उससे भी अलग यहाँ पे बनाया गया है मतलब थर्ड नेक्स्ट डिज़ाइन हमें देखने को मिली यहाँ पे। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ये आपका गोल सा उसके बाद फिर एक दूसरे कलर से और ऐसे करके पूरा बनाया गया, बहुत गजब लगी मुझे। आप अपनी राय कमेंट में दीजिएगा और इसके बारे में बताइएगा थर्ड वाली पेंटिंग आपको कैसी लगी, पेंटिंग सॉरी मतलब यहाँ पे जो बनाया गया है वो कैसा लगा आपको। और बाकी देखिए कितना तेज़ी से यहाँ पे कार्य होते हुए मतलब एक नेक्स्ट लेवल काम हो रहा है यहाँ पे और बहुत तेज़ी से दिनों रात एक करके यहाँ पे इस पथ पे कार्य चलते हुए। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो पथ है वो एक नेक्स्ट लेवल बनाया जा रहा है। अगर बात करें सबसे गजब के पथ की तो मेरे हिसाब से तो धर्म पथ एक नेक्स्ट लेवल होने वाला है। और दूसरा नंबर अगर मुझे रैंकिंग में देना हो तो उसके बाद मैं देना चाहूँगा भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ और वो वाला आपका राम पथ हो गया। अब ये धर्म पथ नेक्स्ट लेवल बनाया जा रहा है, मुझे तो देखने को बहुत कुछ मिला यहाँ पे। और बाकी थोड़ा सा आगे भी देख लेते हैं उस साइड में क्या चीज़ प्रोसेस चल रहा है, चलते हैं आगे दिखाते हैं आपको। यहाँ पे ये देखिए जैसे आपका हो जाता है कार्य मतलब जब अरेंज हो जाता है उसके बाद बालू डाल दी जाती है और वो प्लेन कर दिया जाता है, उससे पूरा क्या होता है जो गैप होता है तो उसमें भर दिया जाता है बालू से। और यहाँ पे भी एक डिज़ाइन यहाँ पे साइड भी बनते हुए मतलब ऐसे धर्म पथ पे आपको कई डिज़ाइन ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर पे देखने को मिलेंगी। फुटपाथ भी मतलब एक फुटपाथ भी एक गजब का यहाँ पे बनाया जा रहा है। और खंभे की बात करें तो ये वाला थोड़ा पोल्स भी दिखाऊँगा जो आपका धर्म पथ और भक्ति पथ पे उसके बाद आपका राम पथ पे जो पोल्स में डिज़ाइनिंग है वो आप कमेंट बताएंगे जैसे आप हमारे साथ जुड़े हैं। ये वाला देखिए डिज़ाइन भी बहुत गजब यहाँ पे पोल की भी दी जा रही है, वो बहुत गजब यहाँ पे बनाया जा रहा है। और इस साइड में देखिए यहाँ पे आपका ये साइड में थोड़ा सा कंप्लीट होते हुए उस साइड में भी वो भी बहुत जल्दी अभी देखने को मिलेगा हमें, लगभग 2 से 3 हफ्ते में यहाँ का भी पूरा कार्य कम्प्लीट हो जाएगा। और उसके बाद उस साइड में जो कार्य चल रहे हैं उसे भी हम देखेंगे। बाकी आगे चलते हैं थोड़ा सा बाईपास की तरफ लेके चलता हूँ, वहाँ का भी व्यू देखते हैं कि क्या होने वाला है। बाकी चलिए दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और आगे का जो कार्य है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये आपका एक चीज़ और मैं बताऊँ, इस पथ से अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये रामकथा पार्क है जहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पे बहुत से साक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे राम मंदिर से जुड़े। और यहाँ पे जो पथ का निर्माण है वो यहाँ पे देखिए होते हुए यहाँ पे देखिए जो हो रहा है आप कार्य वो बहुत तेज़ चल रहा है। यहाँ पे फूड पॉइंट बनाया गया है इस साइड में और यहाँ पे भी ये जो पत्थर ये वाले देखने को मिल रहे हैं आपको इसी से पूरा डिज़ाइन बनाई जा रही है। और देखिए कितने वर्कर यहाँ पे कार्य करते हो, कितनी तेज़ी से यहाँ पे कार्य चल रहा है। और देखिए दिनों रात मतलब अभी सुबह के 7 बजे और 7 बजे देखिए आप यहाँ पे वर्कर जुटे हुए हैं पूरी मेहनत से अपने यहाँ पे कार्य करते हुए। देखिए यहाँ तक कंप्लीट कर दिया गया और आगे देखिए यहाँ पे ये जो पत्थर ऐसे रखे हुए इन्हीं के द्वारा यहाँ पे पूरा पथ का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये देखिए जो है आपका से करके पूरा धर्म पथ पे आपको देखने को मिलेगा जो आपको पूरा बनाया जा रहा है अभी। और आगे चलते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे देखिए यहाँ से परिपच कोसी परिक्रमा मार्ग आपका इस साइड से टर्न होती है और जो आपका बाईपास है वो सीधे से मतलब आता है वहाँ से आपका अयोध्या बाईपास। यहाँ से अगर आप जाएंगे तो ये क्या चीज़ है कि यहाँ से आप सबसे पहले सरयू घाट जाएं और उसके बाद आप ट्रैवल मतलब घाट के बाद आप जा सकते हैं वहाँ नागेश्वर नाथ मंदिर है, वहाँ से ट्रैवल करने के बाद आप चले जाइए हनुमानगढ़ राम मंदिर दर्शन करिए
और बाकी यहाँ पे जो व्यू है ये इसका, यहाँ पे भी कार्य बहुत तेज़ी से होते हुए हमें देखने को मिलेगा। इस ये जो सीन है ये बहुत फेमस है, ये सीन आपको तो देखने को हर जगह मिल जाएगी। यहाँ पे पत्थरों पे कुछ आकृतियाँ बनाई गई हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए। और यहाँ पे थोड़ा क्या है, इसको भी इसमें भी अच्छा, पूरी अयोध्या में जितने भी जो खम्भे थे, पोल्स हैं, उन सबको हटा के अंडरग्राउंड सारे वायर कर दिए गए हैं। और आप जब भी आएंगे, मतलब अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन के बाद, तो आपको देखने को एक अलग ही अयोध्या मिलेगी। अब मुझे तो भाई दिखने लगा है कि मतलब हाँ, यहाँ पे जो है वो एक अलग ही चीज़ है। पहले अयोध्या क्या थी आज से 3 से 4 साल पहले, और आज क्या चीज़ है, वो चीज़ अब देखने को मिलता है हमें। तो आप भी आइए, और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं इस साइड में भी कार्य तेज़ी से होते हैं। यहाँ पे भी देखिए कितना आपका फुटपाथ का एरिया छोड़ा गया है, इसे पूरा ले कर चले आएंगे। और यहाँ पे जो बनाया जा रहा था, जिसे अभी हमने पीछे देखा था, वो चीज़ यहाँ पे भी ऐसे करके पूरा बनाया जाएगा। इस पर देखिए ऐसे करके खंभे यहाँ पे गाड़ दिए गए हैं चारों तरफ, मतलब पिलर पूरे डाल दिए गए हैं ऐसे करके। और यहाँ पे ये देख सकते हैं, और ये देखिए वहाँ पे कुछ आया हुआ है, वो चीज़ हम देखते हैं अभी चल के। और ये चीज़ ऐसे करके ये बनाया जा रहा है, ये क्या है देखिए गज़ब का, यहाँ पे होते हुए ये मतलब बनाया जा रहा है कुछ। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो ये है आपका बाईपास है ये, और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं एक यहाँ पे दोस्तों, एक यहाँ पे एक यहाँ श्री राम स्तंभ लगाया गया है, जय श्री राम यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे करके। ये स्तंभ जो है आपको पूरी अयोध्या में देखने को मिलेगा, ऐसे करके पूरा लगाया जा रहा है। ये आपका अयोध्या बाईपास यहाँ पे है, और यहाँ से एक नया आपको उस साइड में बन रहा है, एक क्या बोलते हैं आपका जो बस अड्डा बन रहा है एक नया अवध, मतलब उसका नाम मेरे ख्याल से कुछ है, उसको मैं बता दूंगा बाद में कंफर्म करके। और उसको लेके मैं गया था, मैं आपको दिखाऊंगा जो अभी क्या चीज़ है वहाँ पे। और यहाँ से अभी हम सीधे चलेंगे, आप देख सकते हैं ये ऐसे करके पूरा बनाया जा रहा है, बहुत गज़ब यहाँ पे कार्य चलता हुआ इस मार्ग पर। और यहाँ पर हमें बहुत कुछ देखने को मिला, और ये देखिए जो आपका सेल्फी पॉइंट इस साइड आपका, और यहाँ पर ये कुछ बनते हुए इस साइड में, ये देखेंगे हम और आगे चलते हैं, और वहाँ का कुछ देखते हैं, नया मिलता है तो दिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये ऐसे करके जाम कर दिया गया है, और यहाँ पे ऐसे करके पूरा बनाया जा रहा है। यहाँ पे कार भी बहुत तेज़ी से चलते हुए, ये एक अलग ही चीज़ है देखने को मिला हमें। और यहाँ पे देखिए ऐसे करके पूरा बनाया गया, ये चीज़ यहाँ तक आता है। और ये आपका ऐसे करके ये जो वो आप देख रहे हैं ना, ये ऐसे करके जैसे वहाँ पर हमने देखा था शुरू में, ऐसे ही आपका यहाँ पर भी बना दिया जाए। और यहाँ पर देखिए इस साइड में भी कार तेज़ी से होते हुए, देखिए कितनी तेज़ है यहाँ पर कार्य चल रहा है जो है आपका। साइड का तो फिनिश होते हुए, मतलब मैंने आपको यहाँ का दिखाया पूरा, तो यहाँ पे देखिए आपका पूरा कैसे पूरा बना दिया गया इस साइड में। और जैसे मैं अगर दूसरी साइड की बात करूँ, तो यहाँ पर भी कार्य तेज़ी से चलता हुआ, इसको भी बना दिया जाएगा, यहाँ पर भी कार्य तेज़ी से हो गया, ये
ये लगभग आपको पूरा देखने को मिलेगा बहुत जल्द आपको। बस ये जो सीन्स है ये कब तक कंप्लीट होगा इसका मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन ये जो आपका फुटपाथ और ये जो एरिया है यहाँ पे डेकोरेटिव वर्क किया जा रहा है तो वो चीज़ तो पूरा देखने को मिलेगा केवल इस सबका छोड़ के। ये भी हो सकता है लेकिन मैं इसको नहीं बता सकता अभी। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे करके पूरा पोल यहाँ पे मेरे ख्याल से लगाए जाते हैं किनारे किनारे भी, क्योंकि बनाया तो है पॉइंट उसको डेकोरेटिव वाले होंगे और मतलब डेकोरेशन वाले जो ऐसे करके हल्का सा टेढ़ा करके निकलता है मुझे लगता है। और बाकी जब लगने के बाद जो लग जाएगा तो उसके बाद तो हम देखेंगे ही आपको दिखाएंगे। यहाँ से ये चीज़ आप देख सकते हैं। और बाकी मैंने आपको इस पथ का पूरा अपडेट दे दिया है, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अयोध्या से जुड़ी जानकारी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नए हमारे भाई, और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री राम।